अभी फिलहाल सुबह का वक्त है, हम जस्ट सोकर यहाँ पर उठे हैं। पूरी रात से यहाँ पर ट्रेसिंग के अंदर लगे हुए थे कि इंडियन माफिया का कहीं से पता चल जाए, पर दोस्तों कहीं से कुछ भी नहीं पता चला। हमने बहुत ज़्यादा मतलब लॉस सैंटोस से इंडिया की तरफ जितने भी कॉल्स हो रहे हैं, ईमेल्स वगैरह हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, व्हाट्सएप वगैरह पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हमने हर चीज़ को यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश की, बट इंडियन माफिया का कहीं से पता नहीं चला। कन्वर्सेशन तो बहुत सारी हो रही है, और वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, डार्क वेब के ऊपर यहाँ पर कुछ बातें वगैरह हैं, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर दोस्तों हमें जो है समझ नहीं आ रही हैं, ठीक है। फिलहाल हम जो है उस दिन के बाद जब मैंने वहाँ पर वो मिलिट्री का वो सब कुछ यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया था ना, न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ आ गई थी, समझ गए, वो मिलिट्री ही बता रही है, मीडिया को भी खरीद रखा है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, मीडिया को भी खरीद रखा है यहाँ पर इंडियन माफिया ने। अब मुझे नहीं पता भाई इंडियन माफिया का यहाँ पर कौन सा अगला कदम होने वाला है, हमें फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है। हम तो अपना यहाँ पर हम रुक गए थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमने यहाँ पर खाना वगैरह खाया और यहाँ पर खाने के बाद मस्त अपना यहाँ पर दोस्तों सो गए थे। लेस्टर पूरी रात यहाँ पर ट्रेस वगैरह करने की कोशिश करता रहा, बट मैंने लेस्टर को समझा दिया था, मैंने कहा भाई इतना भी मत करना कि हमारी लोकेशन ही रिवील हो जाए, तो एक लिमिट में रहकर हमने यहाँ पर जो दोस्तों सारी चीजें की हैं। अभी लेस्टर का यह कहना है कि हम किसी साइबर सिक्योरिटी वालों के पास चलते हैं, फिर सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लोकेशन की जरूरत है दोस्तों, और वहाँ पर एक अच्छा खासा कंप्यूटर का सेटअप लगा होना चाहिए ताकि हम अपना काम अच्छे से यहाँ पर कर पाए, क्योंकि यहाँ टेंट वगैरह में बैठकर दोस्तों कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो लेस्टर का एक फ्रेंड है जो कि लॉस सैंटोस में रहता है, फिलहाल हम उसकी लोकेशन पर दोस्तों यहाँ पर जाने वाले हैं, और लेस्टर ये कह रहा है कि वहाँ पर जाने के बाद हम इजीली हर चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि लेस्टर नहीं चाहता कि इसकी जो क्रश है वो बार बार अपने एक्स से बात करे और उसका पीसी वगैरह वो जो सर्वर लगे हुए ना हम वो चलाएं। तो लेस्टर को भाई ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो लेस्टर ने कहा देख भाई मैं अपनी एक्स को सॉरी अपनी क्रश को तो यहाँ पर मैं नहीं बोलने वाला हूँ, अगर तुझे करवाना है काम तो हम किसी साइबर क्राइम वाले के यहाँ पर चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले के यहाँ चलते हैं, या फिर मेरा एक फ्रेंड है उसके यहाँ पर चलते हैं। मैंने कहा चल ठीक है भाई हम उधर ही चलते हैं दोस्तों, तो चलो आ जाओ यार। फिलहाल एक गाड़ी यहाँ पर है जो कि रात हम चोरी कर कर ले आए थे दोस्तों, मैं वो उठाकर लेकर आता हूँ, ये खड़ी है, हमने रात को इधर ही खड़ी कर दी थी। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों ना तो हमें पुलिस ढूंढ सकती है, कोई भी फिलहाल यहाँ पर हमें ढूंढ नहीं सकता है, ठीक है ना। चलो गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और यहाँ पर भाई साहब उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, उसने रात कुछ ज़्यादा पी ली थी, ड्राइवर के बच्चे ने भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर दारू वारू पी ली थी इसने। अब भाई मैंने इसको मना भी किया था यहाँ पर इतनी दारू मत पी, यहाँ पर लोग बागों के साथ आके जो पी लेता है। अभी लोग बाग यहाँ पर आ गए, लड़का लड़की आते रहते हैं हमेशा यहाँ पर। चलो भाई चलो 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 निकलो यहाँ से। हाँ नहीं तो यार मैं मारना नहीं चाहता दोस्तों किसी को। ओ भैया जी अब यहीं पर बैठे रहने का इरादा है क्या? अब चलो यार यहाँ पर तुमने दारू वारू की पेटियाँ सारी खाली कर ली हैं, तो चलो भाई अब चलते हैं, और भी हमें ज़िंदगी में काम है यार, सारी ज़िंदगी हम तुम्हारे इन्हीं चक्करों में लगे रहेंगे यार यहाँ पर। भाई साहब यार ये बंदा ना कभी नहीं सुधरने वाला है, कभी नहीं सुधरने वाला। तो चलो दोस्तों यार चलते हैं। चल भाई लेस्टर यार वैसे ही हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। हाँ उधर ही चलना है, चलो आ जाओ। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर चलेंगे। खैर ये जो टेंट वगैरह, ये कुत्ता आ गया था यहाँ पर, इसको हमने खाना वगैरह खिला दिया था, बेचारा यहीं पहाड़ों में ही घूमता होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हस्की वगैरह दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं। चलो कोई नहीं, लेस्टर तू आगे बैठ जा, ड्राइवर मेरा भाई तू पीछे बैठ। चलिए दोस्तों हम निकलते हैं अब इस लोकेशन से आराम से। मैं भी ये सोच रहा हूँ ना, इससे तो हम जाएँगे नहीं, हम ना ट्रेन से यहाँ पर जाने वाले हैं, सबसे पहले मुझे रेलवे फाटक तक जाना होगा, ठीक है ना। चलो आराम से बहुत प्यार भरे तरीके से, ये रहा दोस्तों रेलवे ट्रैक तो इधर ही है, अब मैं रेलवे ट्रैक के ऊपर को लूँगा, और जो ट्रेन आएगी ना ट्रेन के अंदर चढ़ कर ना हम लॉस सैंटोस जाएंगे, क्योंकि गाड़ी से जाना भाई खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पुलिस वुलिस वाले भाई होंगे रास्ते पर, और एकदम ढूंढते ही ना बस पता है तुम्हें क्या करने वाले हो हम लोगों के साथ, ठीक है। सीधा भैया इनकाउंटर के वो हैं, सीधा इनकाउंटर। मीडिया ये बता रही है कि मिलिट्री वालों के ऊपर यहाँ पर जो है हमला हुआ है, जबकि वो गुंडे थे दोस्तों। भाई साहब मिलिट्री भी और यहाँ पर ये जो मीडिया वगैरह भी वही बोल रही है जो कि इंडियन माफिया इनसे बुलवा रहा है, ठीक है ना। वो इंडियन माफिया के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगी दोस्तों यहाँ पर लॉस सैंटोस की मीडिया, क्योंकि हर चीज़ को तो उन्होंने खरीद दिया है भाई, अब कहाँ जाएगी। चलो आराम से, अब आराम से चल 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 चल। अबे ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा दोस्तों, चलो हम इसी से चलते हैं। मेरे ख्याल से एक ट्रेन आई भी थी यार, वो निकल भी गई होगी यार इन लोगों के चक्करों में। अबे यार एक तो इतने ज़्यादा ढिल्ले हैं ना दोस्तों ये। चलो यार आ जाओ। ओ भाई साहब यहाँ से जाने का तो दोस्तों रास्ता भी नहीं है, रुक जाओ इधर से चलता हूँ मैं पीछे वाली साइड से। आ जा भाई ड्राइवर आ जा पीछे से चलते हैं ब्रो, आगे से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है।
हमें पीछे वाले रास्ते से दोस्तों यहाँ पर जाना पड़ेगा। आगे से तो वैसे भी रास्ता यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से ट्रेन आएगी, तो ट्रेन आने के बाद फिर हम जो है ट्रेन में बैठकर सीधा लॉस सैंटोस के लिए यहाँ पर जो है निकल जाएंगे। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से ट्रेन आने में यहाँ पर टाइम है, इतने दोनों आ जाएँ यार, पता नहीं नीचे क्या ही कर रहे हैं। आने दो इतने इनको भी, मैं जो है यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ, आके जैसी ट्रेन आएगी ना मैं यहीं से चढ़ जाऊँगा। अबे भाई आ जाओ तुम दोनों, पता नहीं यार दोस्तों यार नीचे क्या कर रहे हैं। एंड यहाँ पर एक बारी हमें पता चल जाए ना, क्योंकि दोस्तों अगर जब हम डार्क वेब के ऊपर सर्फिंग वगैरह करते हैं ना, तो लोकेशन रिवील होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लोकेशन रिवील ना हो उसके लिए छतों के ऊपर ना सैटेलाइट लगा जाते हैं छोटे छोटे, तो इसके दोस्त के घर पर सैटेलाइट ही लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल हम जहाँ जा रहे हैं, बेटा ट्रेन आ जाएगी, मर जाओगे, इधर साइड में आकर खड़े हो जाओ। हाँ नहीं तो तुम्हें ट्रेन के नीचे आने का ज़्यादा ही शौक है क्या? मुझे तो ऐसे लग रहा है भाई साहब ट्रेन आ गई। दोस्तों चलो फटाफट जल्दी से हम ट्रेन के ऊपर यहाँ पर चढ़ेंगे और जल्दी से दोस्तों यहाँ से जो है निकल जाएंगे इस लोकेशन से। मेरे तीन कहने पर चढ़ना, तुम तीनों भी, दोनों भी। चलो वैसे भी खाली आ रही है, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, चढ़ जाओ दोनों भी। दोस्तों वे दोनों भी चढ़ गए हैं। ओ भाई राइट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेस्टर भाई वहाँ पर जो है मज़े ले रहा है, ठीक है ना। और ट्रेवर भाई सबसे पीछे है, पता नहीं भाई सबसे पीछे वाली बोगी में वो क्यों चढ़ा है यहाँ पर, उसकी भी भाई यहाँ पर बातें समझ में नहीं आता है। हाँ भाई लेस्टर मुंडिया, अब ना थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना, ठीक है, और पीछे से भी नज़र रखना। मैं ट्रेन के इंजन पर जा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ भाई साहब ट्रेन के इंजन पर, मैं आगे से नज़र रखूँगा कोई हमें यहाँ पर वो ना कर पाए, ठीक है ना। और ये सब दोनों दोस्तों पीछे ही हैं, चलो आराम से, और कहीं पर भी ट्रेन ना रुके ना, इसलिए मैं इसके ड्राइवर को टपकाने वाला हूँ। चलती थी ऐसी की तैसी। भाई साहब दोस्तों ड्राइवर मर चुका है, अब ये ट्रेन कहीं पर भी नहीं रुकने वाली है, कहीं पर भी। मुझे डर था कि आगे भाई पुलिस वुलिस ना आ जाए या फिर कोई गुंडों की गाड़ी ना आ जाए और ये ट्रेन वाला ट्रेन को ना रोक दे, पर अब दोस्तों कोई डर नहीं है। अब भाई ट्रेन कहीं भी नहीं रुकेगी, कहीं नहीं रुकेगी दोस्तों, ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी ट्रेन। अब देख रहे हो भाई साहब क्या खतरनाक वाला सीन है। अब दोस्तों ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, अब जब तक हम नहीं चाहेंगे भाई साहब ये ट्रेन दोस्तों यहाँ पर रुकने नहीं वाली है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब जल्दी से दोस्तों हम यहाँ पर निकल रहे हैं लॉस सैंटोस के लिए। एक बार ये लॉस सैंटोस ही हमें ट्रेन पहुँचा दो दे। अभी तो फिलहाल दोस्तों पता नहीं आज इस ट्रेन को लॉस सैंटोस जाने में यहाँ पर कितना ज़्यादा वक्त जो है दोस्तों लगने वाला है, ठीक है ना। चलो मैं पीछे चलता हूँ, अरे पीछे भी क्या जाना, मैं इधर ही खड़ा हूँगा और इधर ही खड़ा होकर देखूँ इसके नीचे ना लगे। वैसे बच गया मैं, इतना भी कोई ऊंचा नहीं है, बस वो वाला जो पुल है ना भाई, उस पुल के ऊपर से गिर सकता हूँ मैं, तो इसलिए मैं नीचे हो जाऊँगा। बढ़िया, क्योंकि जो पुल है ना ये काफ़ी ज़्यादा नीचे है और इसके अंदर भाई सर वगैरह मेरा टकरा सकता था। मैंने कहा भाई बेफालतू में यहाँ पर पंगे लेने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, तो अपना चुपचाप हम जो है भाई यहाँ पर नीचे ही उतर जाते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली यार दोस्तों तुम्हारा भाई यहाँ पर जो है नीचे ही उतर गया। वो ऐसा वरना तो भाई ये मेरी खोपड़ी ना यहाँ पर टूट के भाई बेहाल हो जाती, कसम से मैं यहाँ पर दोस्तों बता रहा हूँ आपको, खोपड़ी टूट वूट के भाई यहाँ पर जो है मिल जाने वाली थी। चलिए बढ़िया, क्या बात है दोस्तों, अमेजिंग गाइस, एक नंबर दोस्तों, एक नंबर। अब चलिए चलते हैं यार हम, ओह आराम से भाई फ्रैंकलिन, हम चल तो रहे हैं भाई साहब, तू यहाँ पर ये वाली हरकतें मत कर, अगर इसने ये वाली हरकतें ना छोड़ी ना भाई साहब हम नीचे गिरने वाले, कसम से मैं बता रहा हूँ भाई। फाइनली यार दोस्तों ये वाला पुल भी क्रॉस हो गया, अब सीधा हम जो है लॉस सैंटोस ही पहुँचेंगे दोस्तों। तो चलिए अभी यार मैं आपसे यहाँ से जो है सीधा लॉस सैंटोस पहुँच कर ही मिलता हूँ, क्योंकि ट्रेन जो बहुत नॉर्मली स्पीड पर चल रही है, कोई इतनी फास्ट स्पीड पर यहाँ पर जो ट्रेन दोस्तों यहाँ पर नहीं चल रही। यार दोस्तों यहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ सकता यार, तुम भी पता नहीं कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो, यहाँ पर हमें कोई भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। चलो आ जाओ चलते हैं। चलिए दोस्तों इसके जो ये है, ये लेस्टर ने भी सीधा है बोला है कि मेरे दोस्त को भी छोड़ो, हम सीधा मेरी गारमेंट फैक्ट्री चलते हैं। मैंने कहा चल भाई ठीक है कोई बात नहीं, गारमेंट फैक्ट्री चलते हैं। गारमेंट फैक्ट्री नहीं हो, गारमेंट फैक्ट्री है दोस्तों, वहाँ पर गारमेंट्स वगैरह का काम होता है। और हम जो फाटक के नीचे कोई जा रहे हैं, हम कोई ऊपर को नहीं जा रहे, क्योंकि भाई पुलिस वुलिस ना यहाँ पर भाई तैनाती रहती है और पुलिस स्टेशन यहीं बगल में ही है, तो तुम्हें पता है फिर जब बगल में दोस्तों पुलिस स्टेशन होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, वो दोनों आराम आराम से आ रहे हैं। इतने में तेज़ी से जाकर दोस्तों यहाँ पर देखता हूँ कि गारमेंट फैक्ट्री के आसपास कोई पुलिस वुलिस के नाकाबंदी तो नहीं हुई हुई है, या फिर कुछ ऐसा वैसा कुछ तो नहीं है ना, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं है ना। चलो बढ़िया, यहाँ पर तो ट्रेन वैसे ही दोस्तों बहुत लेट वगैरह है, फिर कमी आती है,
वो दोनों आराम आराम से आ रहे हैं, मैं उनसे तेज़ से भाग रहा हूँ। यहाँ पर गारमेंट फैक्ट्री दोस्तों वो है, यहाँ पर जो है पुल बना हुआ है ना, पुल के जस्ट नीचे वाली साइड इधर लेफ्ट साइड में है गारमेंट फैक्ट्री। चलिए यहाँ पर कुछ बंदे खड़े हैं, इधर को हो लेता हूँ ना ताकि मेरी शक्ल ना देख पाएं ये लोग। ऐसे इतनी दूर से लड़का लड़की बैठे हुए हैं दोस्तों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो कि बातचीत कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, ट्रेन आ गई, बढ़िया, आराम से। वो ट्रेन तो दोस्तों चली भी गई, और मुझे ऐसा लगता है ना यार वो ट्रेन सीधी पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी भाई, इसके तो ब्रेक फेल है, ड्राइवर ही मरा हुआ है इसका। वैसे कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी तो दोस्तों यहाँ पर आसपास है नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम सही है, एकदम रास्ता क्लियर है दोस्तों, एकदम क्लियर है। चलिए और लॉक लगा है भाई गारमेंट फैक्ट्री के अंदर, तो लॉक लगा हुआ है शायद से लेस्टर के पास इसकी गेट की चाबी हो, क्योंकि मुझे तो बताया नहीं भाई लेस्टर ने कि उसके पास इस गेट की चाबी है, या फिर जो भी चीज़ है ना लेस्टर से पता करते हैं। दोस्तों हम सोच रहे थे कि यार हम गारमेंट फैक्ट्री चल जाए, बट यहाँ पर तो दोस्तों हमने कांच वगैरह भी तोड़ने की कोशिश की, बुलेट प्रूफ ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, प्लस गाइज यहाँ पर किसी ने ना लॉक लगा दिया इसका, और लॉक भी चेंज हो चुका है दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है ये काम पुलिस का ही है। यहाँ पर लेस्टर भी कह रहा है पुलिस का ही काम है, उन्होंने ही हमारी जो लोकेशन को यहाँ पर बंद किया है, तो यहाँ पर खड़े होकर कोई फ़ायदा नहीं है। चलो निकलते हैं यहाँ से, कैमराज वगैरह तो लगे हुए, अगर कैमरा वगैरह लगे हुए तो ना भाई एकदम हमारी लोकेशन रिवील हो जाती, तो यहाँ पर तो भाई खड़े रहकर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ यार, बेफजूल में आए हम इधर। अभी दोस्तों दोबारा से हमें उसी लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहाँ पर इसका फ्रेंड वगैरह है मजबूरन, क्योंकि दोस्तों पहले ये कह रहा था चलो कोई नहीं मैं अपनी लोकेशन पर चलता हूँ, फ्रेंड को भी इन्वॉल्व नहीं करते इसके अंदर, बट दोस्तों अब क्या कर सकते हैं यार, देखो उसको भी इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अकेले तो हम ये काम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। चलो आ जाओ दोस्तों, अभी सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर लेस्टर के दोस्त के घर पे। अब उसका दोस्त का घर भी यहाँ पर थोड़ी दूरी है, ज़्यादा आसपास नहीं है, थोड़ी सी दूर चलकर ही है, बट ये है कि वहाँ जाने के बाद ना दोस्तों हमारा जो काम है ना दोस्तों वो कंप्लीट हो जाएगा 100%, आई एम श्योर कि कंप्लीट हो ही जाए, ठीक है ना, वो तो दोस्तों उधर चल कर ही पता चले। राइट दोस्तों फाइनली यार हम जो है घूमते फिरते पूरा एक घंटा लग गया, घूमते फिरते बहुत पीछे को आए दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि भाई लेस्टर का कोई दोस्त है ऐसा जो कि पहाड़ के ऊपर रहता भाई साहब। तो भाई पहले से हम यार इसी लोकेशन पर यहाँ पर आ सकते थे, फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं। इसका जो दोस्त है वो हमारे लिए कुछ यहाँ पर खाने पीने के लिए जो है लेने गया है, ठीक है, उसने अपना पीसी वगैरह बाहर निकाल दिया क्योंकि अंदर थोड़ी सी नमी हो रखी है इसके घर के अंदर, आई डोंट नो वाई के सिलाब वगैरह इतनी ज़्यादा क्यों है, तो अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो लेस्टर ने कहा भाई तो अपना टेबल वगैरह और मैं पीसी को ज़रा बाहर रख दें, मैं बाहर से यहाँ पर जो है काम कर लूँगा। तो भाई लेस्टर तो लग गया भाई अपने काम के अंदर, आप सब लोग यहाँ पर देखो, ठीक है, लेस्टर भाई लगा हुआ अपने काम के अंदर, और यहाँ पर ना वो देखो वो बंदा देखो घोचू, वो घोंचू की औलाद देखो कहाँ पर चढ़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊं, दो दरवाजे भाई इसके घर के, और इसने नेटवर्क ना यहाँ पर लगवा रखा है, तो दोस्तों इस नेटवर्क से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बट लेस्टर ये कह रहा है बेचारा ये नेटवर्क भी ना इतनी साल हो गए इसको लगे हुए, ये पुराना हो गया दोस्तों, ठीक है ना, अब तो नए नए टेक्नोलॉजी वाले आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पता होगा इस वाले नेटवर्क से यहाँ पर होता क्या है, अब जो लेस्टर यहाँ पर डार्क वेब के ऊपर इंडिया के अंदर कितनी लॉस सैंटोस की इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या कन्वर्जेशन हो रही है, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है ना, तो लेस्टर हर चीज़ के ऊपर यहाँ पर अब कड़ी नज़र रखे हुए हैं, और वो देख रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अब डार्क वेब से ही हमें यहाँ पर पता चल सकता है, क्योंकि दोस्तों ड्रग्स की बातें और यहाँ पर जो दो नंबर की ट्रांजैक्शन होती है, बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, कुछ इस टाइप की जो होती है ना दोस्तों वो डार्क वेब पे की जाती है, हैकर्स के साथ जो बात की जाती है वो भी डार्क वेब के ऊपर जो है की जाती है दोस्तों। और लेस्टर को भी कहीं ना कहीं यही शक है, और दोस्तों मुझे भी, कि जो इंडियन माफिया है खैर वो तो यूज़ नहीं करता होगा, बट दोस्तों उसने अपनी यहाँ पर एजेंसी के अंदर कुछ हैकर्स रख रखे हैं जो कि यहाँ पर डार्क वेब को यूज़ करके ट्रांजैक्शन करते हैं और लेन देन करते हैं दोस्तों, हर चीज़ जो है डार्क वेब के ऊपर ही यहाँ पर जो है होती है। फिलहाल लेस्टर ने जो है लिस्ट निकाल ली है, और लेस्टर जो है दोस्तों यहाँ पर पूरी की पूरी चेकिंग वगैरह कर रहा है, देखते हैं यार दोस्तों भी क्या होता है, हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल भी पाती है या फिर। ऑलराइट गाइस, जैसे कि मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ बड़ा हमारे हाथ लगने वाला है, और दोस्तों वैसा ही हुआ, यहां पर इंडियन माफिया ने ही दोस्तों यहां पर कुछ कन्वर्सेशन हो रखी है, और यहां पर एक वर्ड का पता चला है जो कि है दोस्तों रक्त बीज। जी हां दोस्तों रक्त बीज, अब यहां पर जैसे हमने इसके बारे में सुना रक्त बीज,
ठीक है, तो एकदम दिमाग में ये आता है कि जैसे पता नहीं यार क्या चीज है। तो इंडियन माफिया को दोस्तों यहाँ पर रक्त बीज चाहिए, ठीक है, और वो पता नहीं किसी गैंग से बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर लॉस सैंटोस की, ठीक है, और वो उसको चुराने वाले हैं। अब हमें नहीं पता है कि रक्त बीज दोस्तों यहाँ पर क्या है, बट जो लेस्टर का दोस्त था दोस्तों ये जानता था रक्त बीज क्या है। रक्त बीज एक तरीके का दोस्तों केमिकल टाइप है जो कि बहुत पुराने समय में कुछ चीज हुआ करती थी, उसके ऊपर से जहां का पर उसका रक्त गिरता था ना, तो वहीं पर दोस्तों क्या होता था, वो जहर बन जाता था। अब वो कुछ इस टाइप का, आप एक चीज ये कह लो जैसे कि आपने कोरोना वायरस देखा ना, उस टाइप का वो दोस्तों यहाँ पर चीज है रक्त बीज, और उसके साथ यहाँ पर लोगों को इन्फेक्टेड किया जा सकता है, पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में तबाही मचाई जा सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो फिलहाल इंडियन माफिया को लॉस सैंटोस से रक्त बीज चाहिए, जी हाँ, और ये कह रहा है कि रक्त बीज को लॉस सैंटोस में यहाँ पर जो है रखा गया था। अब उसकी पूरी जानकारी तो खैर इसको भी नहीं है, बट अभी हमें यहाँ पर ना किसी अब खतरनाक बंदे से दोस्तों मिलना पड़ेगा जो कि रक्त बीज के बारे में हमें यहाँ पर बता पाए, और हम इंडियन माफिया को असफल होने दें, यानी कि उसके सक्सेस ना होने दें, भाई चुराना नहीं चाहिए, वरना अगर उसके ये इंडियन माफिया के हाथों में पड़ गया दोस्तों रक्त बीज, तो भाई बहुत बड़ी यहाँ पर जो है मुसीबत खड़ी हो सकती है। और भाई मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोस्तों यहाँ पर कुछ भी हो, ठीक है ना, ऐसा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तो अभी हमें सबसे पहले तो यार किसी एक बंदे से यहाँ पर जो है पूछना पड़ेगा जो कि साइंटिस्ट टाइप का होना चाहिए। अब साइंटिस्ट टाइप का बंदा तो यहाँ पर वही बंदा है जिसका यहाँ पर लेस्टर ने इलाज किया था, आपने पिछले वीडियो में यहाँ पर देखा होगा जब लेस्टर की थोड़ी सी यहाँ पर बुरी हालत हो गई थी, और वो फ्रेंड है दोस्तों लेस्टर की फ्रेंड का, वो जो क्रश है इसकी। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं दोस्तों लेस्टर की क्रश के पास, उसके साथ हम चलेंगे दोस्तों वहीं लैब पर और उनसे पता करते हैं कि रक्त बीज का रहस्य क्या है और ये कहाँ पर रखा गया है, ताकि दोस्तों वहीं की हिफाजत रख पाए, ठीक है। इसका पीसीबीसी यहीं पर है, इसके दोस्त का, इसने कहा मैं भी साथ चलूंगा, मैंने कहा चल कोई बात नहीं भाई तू भी आजा साथ। तो दोस्तों अभी हम चारों के चारों दोस्त चल रहे हैं, सबसे पहले अभी हमें ना लेस्टर की जो फ्रेंड है दोस्तों उसके घर पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके घर पे जाने के बाद उसकी गाड़ी से हम जो निकल जाएंगे दोस्तों साइंटिस्ट की लैब में, क्योंकि भाई साइंटिस्ट जो है ना वो इसकी फ्रेंड को ही जानता है, भाई हमें तो जानता भी नहीं इतने अच्छे तरीके से, बस उसने बेचारे ने इलाज तो दोस्तों कर ही दिया था, या फिर हम उसको ना जो यहाँ पर फैसिलिटी है उससे बाहर बुला लें कि भाई तू एक काम कर बाहर आ जा रिसर्च सेंटर से जो है ह्यूमन लैब से, और बाहर आकर एक बार देख ले, ठीक है ना। अगर वो हमें इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर कुछ बता पाया तो ठीक है, नहीं बता पाया तो फिर किसी और तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा। आपको पता है फिर हमें बहुत सारे तरीके भी आते हैं, ठीक है ना, रक्त बीज के बारे में। और इंडियन माफिया को रक्त बीज चाहिए क्यों, इंडियन माफिया को रक्त बीज चाहिए क्यों, ये भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले भी किसी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, गाड़ी का इंतजाम क्या करना पड़ेगा, गाड़ी भी आ ही गई। चलो सर उतर जाओ, अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। अच्छा ज्यादा बोल रहा था, चलो दोस्तों बैठो यार जल्दी से। लेस्टर भाई तू पीछे ही बैठ जा अपने दोस्त के पास, वो तेरा दोस्त है भाई, वो रहा इसके दोस्त का घर ऊपर, लेस्टर का ही दोस्त है यार, यहाँ पर ड्राइवर थोड़ी ना बैठता, वो अच्छा लगेगा उसके साथ। ये भी सोच रहा होगा यार कैसे बंदे हैं इन्होंने, एकदम चलती हुई गाड़ी को कैसे चोरी कर लिया। अब दोस्तों यार हम अपनी गाड़ियाँ तो चला नहीं सकते, हमारे पास जो गाड़ियाँ थी ज़्यादातर तो इंडियन माफिया ने दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दी हैं, या कोई गाड़ी बची नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई गाड़ी नहीं बची यार, सब के सब डिस्ट्रॉय वगैरह कर दी, घर डिस्ट्रॉय कर दिए, शोरूम डिस्ट्रॉय कर दिए, और क्या चाहिए। और यहाँ पर माइकल दादा को पता नहीं क्यों पकड़ रखा है, समझ ही नहीं आ रही, उसकी पूरी फैमिली को किडनैप कर लिया और रक्त भी चाहिए अब उसको, कोई बात नहीं चलते हैं लेस्टर की दोस्त के पास, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ कर ही देगी हमारी मदद। पार्क में ही मिलने बुलाऊंगा भाई उसे कि भाई तुम पार्क में ही जब, उसके जान पूछ के घर पर जाते भी नहीं, क्योंकि उसके घर पर सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं। और मैं फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ना किसी के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं करता हूँ, क्या पता भाई भरोसे वाले को ना मतलब भसूड़ी फैलाने में देर नहीं लगती है, तुम समझ गए होंगे पूरी कहावत में क्या कहने वाला हूँ। इसीलिए फालतू में इतना ज़्यादा भी अंधा विश्वास करना बेकार चीज़ है, तो इसीलिए बस हम उसे बाहर मिलने बुलाया था, क्योंकि दोस्तों अगर सिक्योरिटी कैमराज में हमारी शक्ल वगैरह आ गई कि हम इसके यहाँ पर आ रहे हैं, पुलिस वालों तक पहुँच गई, तो भाई बहुत खतरनाक बात यहाँ पर हो सकती है, ठीक है ना, इसीलिए हम उसको यहीं पर बुलाएंगे। चलो मैं इस गाड़ी को जो है यहीं पर खड़ी कर देता हूँ, चलो दोस्तों आ जाओ भाई साहब, ये देखो, चलिए
अब उसको ना हम यहीं पर बुलाने वाले हैं, इसकी फ्रेंड जो है यहीं पर आएगी दोस्तों, और आने के बाद शायद से यार आज हमारी कुछ मदद हो जाए और पता चले कि भाई रक्त बीज ऐसी क्या चीज़ है जो इंडियन माफिया उसको मतलब चाहने के चक्कर में कि कहीं से मिल जाए, कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, इतना ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है। भाई मेरी भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, ऐसा रक्त बीज के अंदर है क्या? और पता तो चल गया कि वो एक टाइप का जहरीली चीज़ है कोई, बट क्या वो वाकई में वायरस है कोरोना टाइप का? ये तो इसी ने बताया था लेस्टर ने कि कोरोना टाइप का ये वायरस है, कुछ इस टाइप का वायरस है, बट हमें नहीं पता उसको चाहिए क्यों और वो क्या करना चाहता है, उसका मकसद क्या है, ठीक है ना। चल यार मैं अपनी फ्रेंड को लेस्टर जरा तो कॉल कर दे और यहीं पर बुला ले उसको, कह दे हम चारों तेरा यहीं पर इंतजार कर रहे हैं। जल्दी मिली यार दोस्तों, पता चल ही गया यहाँ पर इसकी फ्रेंड ने भी इसके बारे में रिसर्च कर रखी है। जब मैंने इसे बोला ना रक्त बीज क्या है, तो पहले तो उसने कहा क्या मतलब, थोड़ी समझ में नहीं आई। फिर जब मैंने इससे थोड़ा सा और पूछा तो इसने बता दिया कि मैंने इसके बारे में रिसर्च कर रखी है, ये एक टाइप का वायरस ही है, ठीक है। और ये वायरस रखा कहाँ पर गया है, किसके पास है? लॉस सैंटोस में, पर ये बता रही है पूरे वर्ल्ड में रक्त बीज कहीं पर नहीं है सिवाय लॉस सैंटोस के, अमेरिका में रक्त बीज को यहाँ पर जो है रखा गया है, ठीक है। और वो एक टाइप की स्पेशल बिल्डिंग के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना, और वहाँ के अंदर बहुत बड़ी सेफ बनी हुई है, उसके अंदर कहीं दोस्तों रक्त बीज वगैरह रखा हुआ है। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर इंडियन माफिया को रक्त बीज चाहिए क्यों, और ये पर ये कह रही है कि अगर रक्त बीज किसी गलत हाथों में पड़ गया, और वो एक टाइप का वायरस है दोस्तों जो कि इंसानों को बहुत बीमार कर सकता है, इसका तो कुछ इस टाइप का ही कहना है, बट मैंने इसको बोल दिया कि हमें साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ह्यूमन लैब वाले के, और हमें वहीं पर जाकर जो है पता करना है एक बार रक्त बीज है क्या। तो उसने उसको कॉल कर दिया, उसने कहा कोई बात नहीं आ जाओ, मैं आपको लैब के बाहर मिलूंगा, मैं आपको लैब के अंदर नहीं मिल सकता क्योंकि लैब में जो है सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं, और अगर आप आओगे तो अब सारा का सारा स्टाफ वहीं है तो पता चल जाएगा, तो इसलिए मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ। हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलिए दोस्तों हम चलते हैं फिलहाल। और मेरे हिसाब से जो साइंटिस्ट है ना दोस्तों वही बता पाएगा कि असल में रक्त बीज है क्या, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं चलते हैं, अगर आप सभी लोग जानते हैं रक्त बीज दोस्तों यहाँ पर क्या चीज़ है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताओ। चलिए हम चारों के चारों, पांच हो गए तुम तो, मुझे कोई ऐसी गाड़ी चाहिए होगी जिसके अंदर दोस्तों पाँच बंदे बैठ पाएँ। यहाँ पर तो कोई ऐसी गाड़ी खड़ी है कि जिसके अंदर पांच बंदे बैठ पाएँ, अगर पांच बंदों वाली गाड़ी मिल जाने तो दोस्तों यार मज़ा ही आ जाए, पर अभी ढूंढनी पड़ेगी दोस्तों पांच बंदों वाली गाड़ी, तो भाई चोरी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलने वाली हो, ऐसे तो कहीं भी नहीं मिलेगी। पार्किंग के अंदर देख लेता हूँ एक बार, तेरी ऐसी की तैसी हो, चल गए यहाँ से, मार खा लेगा वरना मुझसे। चलो यार दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अगर कोई मिल जाए, 24 आवर्स के लिए जो खुला हुआ है, देखते हैं यहाँ पर कोई है क्या। दोस्तों हम जो है निकल गए हैं, हमें कहीं कोई ऐसी गाड़ी नहीं मिली जो भाई पाँच सीटर वाली होती जो हम चुरा लेते हैं। फिर खैर इसकी दोस्त के भाई कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छे हैं, इसने एक अपने फ्रेंड को कॉल की, उसने ट्रक वगैरह ले रखा था, छः सीटर है, देखो दो एक बंदा पीछे बैठ सकता है, तो भाई लेस्टर पता नहीं किस बात पर इससे जो है नाराज़ है तो इसके साथ बैठ ही नहीं रहा है, तो ड्राइवर ने भाई मौके का फ़ायदा उठा के ड्राइवर बैठ गया दोस्तों इसके साथ। ये देखो पीछे ड्राइवर बैठा हुआ है दोस्तों लड़की के साथ, और वो बुढ़ा जो था यहाँ पर लेस्टर का दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है, लेस्टर बाहर बैठा हुआ है। पता नहीं भाई लेस्टर का इतना ज़्यादा मूड क्यों ऑफ है यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है लेस्टर अभी भी इससे उसी बात के लिए नाराज़ है कि तूने अपने एक्स से इतनी चिपक कर वहाँ पर बात क्यों की थी। भाई यार इनके बीच में पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा लड़ाई वगैरह होती रहती है। अब देखो भाई जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर लड़ाई भी इतनी ज़्यादा होती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी हमें सबसे पहले ह्यूमन लैब्स रिसर्च सेंटर जाना पड़ेगा, चलते हैं यार। और ना अब हमें लॉस सैंटोस में ना ऐसे नहीं घूमना है भाई, अब हमें मास्क लगा कर घूमना है क्योंकि सबको पता चल गया है कि डायमंड कैसीनो के अंदर जो इतनी सारी गाड़ियों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया था वो किस किस लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था, सीसीटीवी फुटेज वगैरह आ गई है, एंड पेपर के अंदर भी आ चुका है, न्यूज़ चैनल पर भी आ गया है। अब तुम्हें पता है लॉस सैंटोस की मीडिया तो भाई बहुत बड़ी चमची है यहाँ पर इंडियन माफिया की, तो भाई वो तो करेगी उसका काम, और हमारे खिलाफ़ बहुत गलत गलत यहाँ पर आर्टिकल भी दोस्तों छाप दिए गए हैं, ठीक है ना। अभी यार यहाँ की पब्लिक को ना इतनी ज़्यादा असल में नॉलेज नहीं है, वो बस ये सोच रहा है कि बस वही है जो कुछ है, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए लॉस सैंटोस के अंदर जो पहले सरकार भी यहाँ पर नहीं कर पाई, तो बस हर कोई भाई उसी की तरफ यहाँ पर जो है ज़्यादा वो रखा है, मीडिया को खरीद रखा है, पुलिस को खरीद रखा है, गवर्नमेंट को खरीद रखा है, और क्या ही कर लेगा यार वो। बट ये लॉस सैंटोस इस गवर्नमेंट का किसी का नहीं है, हमारा लॉस सैंटोस है, ठीक है। ऐसे ही कोई बाहर से आ रहा करना यहाँ पर कोई राज वगैरह नहीं कर लेगा दोस्तों, ठीक है ना। अभी हम चल जाए दोस्तों, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने सबको मुट्ठी में इसीलिए किया है क्योंकि इसको रक्त बीज चाहिए, इसको रक्त बीज मिल गया ना भाई तो भाई बहुत ख़तरनाक यहाँ पर जो है मामला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। सबसे पहले अभी हमें ह्यूमन लिवर सेंटर जाना है, ह्यूमन रिसर्च सेंटर वही जो भी है, ठीक है।
साइंटिस्ट से पता करते हैं कि भाई पूरा का पूरा मामला क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, गलत हाथों में पड़ गया तो क्या हो सकता है। अब पूरे विस्तार पूर्वक तो देखो दोस्तों वही राइट दोस्तों, फिलहाल हम अब उस लोकेशन पर यहाँ पर जो है पहुँचने वाले हैं। ऑलराइट यहाँ पर ऐसा लग रहा था मैं जैसे कुछ अलग सी एक्टिविटी हो, कुछ स्पेशल सी गाड़ियाँ खड़ी थी, देखा ना तुमने। अब मुझे नहीं पता कि वो चीज़ क्या थी और यहाँ पर ये लोग क्यों खड़े थे, शायद से कोई प्लान वगैरह हो या फिर कोई माफिया या डॉन वगैरह आया हो, क्योंकि सिक्योरिटी तो भाई बाहर इसी टाइप की खड़ी थी कि बाहर जैसे कि पता नहीं जैसे क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। चलिए फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर ह्यूमन लैब पहुँच चुके हैं फाइनली, हम जो उनसे बैक यार्ड में मिलने वाले हैं, हम यहाँ पर नहीं मिलेंगे, गाड़ी में इधर ही लगा देता हूँ। चलो दोस्तों आ जाओ, वहाँ पीछे मिलता हूँ उनसे, यहाँ पर तो वो खुद भी नहीं मिलने आने वाला। पीछे से एक छोटा सा दरवाज़ा जो कि यहाँ पीछे की ओर निकल जाता है, पीछे जाने के बाद उनसे मिलते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट है ना पीछे ही आएगा मिलने, यहाँ तो किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा, वहाँ से आगे से सिक्योरिटी कैमराज देख लेंगे तो हम पीछे से ही निकल जाएंगे। दोस्तों हमारी बात हो चुकी है एंड ना थोड़ा अजीब सा हो गया यार मेरा माइंड अंदर से, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। अब ये जो डॉक्टर था ना, ये जो भी था यहाँ पर लैब का रिसर्च वाला है, इसको इस चीज़ के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज थी। अब रक्त बीज असल में है क्या, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देख लो। पुराने टाइम में ना कुछ एक टाइप का असुर हुआ करता था, ठीक है ना, और जब उसको मारा गया, जब वो चलता था तो उसका जहाँ पर रक्त गिर जाता था यानी कि खून गिर जाता था ना, वो रक्त बीज के नाम से हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर इतना जहर है, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे पृथ्वी पर सिर्फ वो इतना सा है, और वो यहाँ पर लॉस सैंटोस में रखा गया है। इन्होंने लोकेशन नहीं बताई हमें असल में, वो बिल्डिंग वाली बात बस ऐसी थी, अफवाह है, वो तो गूगल के ऊपर भी है, कह रहा भाई जो गूगल के ऊपर यहाँ पर चीज़ होगी वो तुम्हें पता थोड़ी ना चल जाएगी, कि गवर्नमेंट ये थोड़ी ना बताएगी कि हमने रक्त बीज को यहाँ पर रख रखा है, गवर्नमेंट ये थोड़ी ना बताएगी कि हमने रक्त बीज को यहाँ पर रख रखा है और कोई भी ऐरा गैरा आकर उसको दोस्तों चुरा ले, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर इसके पीछे पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड की दुनिया लगी हुई है यार। तो एक बहुत स्पेशल जगह पर भाई उसको यहाँ पर छुपा रखा है, ठीक है। और जब हमने ये पूछा तो बताया गया है कि एक टाइप का वायरस ही है, जब मैंने बोला कि वायरस है हाँ, इसको एक केमिकल में डाल कर ना एक वायरस का रूप दिया जा सकता है। अब ये होता कैसे है दोस्तों, ये जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, सांस के जरिए हाथ मिलाने, जैसे कोरोना वायरस था ना बिल्कुल उस टाइप का है, बट इसके अंदर होता क्या है, इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है, लोगों को काटने लगता है, एक दूसरे को मारने लगता है, और पता नहीं दोस्तों क्या क्या हो जाता है, इंसान बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है दोस्तों इस चीज़ से। जी हाँ गाइस, और ऊपर वाला ना करे, ये कह रहा है कि अगर रक्त बीज किसी गलत हाथों में पड़ गया ना तो पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, और जो रक्त बीज को यहाँ पर क्या कहते हैं फैलाएगा या जो भी करेगा, सबसे पहले उसको फैलाने से पहले उन्हें उसका यहाँ पर जो वो कहते हैं ना वैक्सीन वगैरह होती है दोस्तों, वो बनवानी पड़ेगी। अगर उसे बनाए बिना, अब ये भी है दोस्तों कि कोई कंपनी जैसे इंडियन माफिया, अगर उसने वायरस फैला दिया दोस्तों और वो वैक्सीन बेचने लग गया, तो वो एक टाइप का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना, और वो वैक्सीन इतनी महंगी बेचेगा यहाँ की सरकार को तो दोस्तों खरीदनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है बहुत सारे मुद्दे हैं, और रक्त बीज के बारे में बहुत सालों तक ये बातें हुई हैं, आज बहुत सालों के बाद ये चीज़ दोहराई गई है, ठीक है ना। यार मुझे तो यार इस चीज़ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी यार, इंडियन माफिया को कितना पता है, कसम से बता रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं पता था कि रक्त बीज है गया, और रक्त बीज लॉस सैंटोस में यहाँ पर रखा भी कहीं पर गया है, ठीक है ना। डॉक्टर ने भी नहीं बताई, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस डॉक्टर को यहाँ पर बात पता भी है कि रक्त बीज यहाँ पर रखा क्या गया, बट इसके एटीट्यूड से, बात करने के अंदाज से ऐसे ही लगा कि जैसे उसको पता है और ये हमें बताना नहीं चाह रहा है कि रक्त बीज को रखा यहाँ पर कहाँ गया है, ठीक है ना। रक्त बीज ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमें सबसे पहले ना कुछ इंटेलिजेंस से यहाँ पर बात करनी पड़ेगी कि जो रक्त बीज है ये है क्या, और कुछ हैक वगैरह से शायद से पता चल पाए कि लोकेशन का, कि रक्त बीज कहाँ पर है, कहाँ पढ़नी, जो भी है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों इंडियन माफिया से पहले हमें उसे चुराना होगा, अगर इंडियन माफिया ने उसको चुरा लिया और वो गलत हाथों में पड़ गया तो दोस्तों बहुत गलत हो सकता है, कसम से मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी गलत होना चाहिए, ठीक है ना। चलो डॉक्टर हम मिलते हैं आपसे, ठीक है ना, आ जाओ दोस्तों, चलो चलते हैं यार।
रक्त बीज के बारे में बहुत सारी बातें तो पता चल गई। डॉक्टर यहाँ पर सिगरेट वगैरह पीकर जो है अंदर जाएंगे, उन्होंने कहा मैं चला जाऊंगा, तुम लोग जाओ। तो चलिए दोस्तों यार हम यहाँ से जो चलते हैं। ओ माय गॉड, चलो 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 जल्दी चलो भाई साहब। ओ माय गॉड दोस्तों यार, अभी जैसे हम यहाँ पर जा रहे थे ना, ओ माय गॉड, जाने जैसे ही हम वहां पहाड़ तक पहुंचे ना, एकदम हमें गोली की आवाज आई बहुत ज्यादा तेज, ये देखिए चिल्लाने की, और आकर देखते भाई इनके गोली लगी, किसी ने बहुत दूर से इनको स्नाइपर मारी है। पर भाई कहीं कोई बंदा नहीं नजर आ रहा है, किसने इनको स्नाइपर मारी भाई साहब, किसी ने स्नाइपर से दोस्तों डॉक्टर को ही खत्म कर दिया। दोस्तों यहाँ पर खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, चलो जल्दी निकलो और हिलते रहो, कभी कोई हमें शिकार बना ले। चलो जल्दी से चलते हैं दोस्तों। अब हम कर भी क्या सकते हैं दोस्तों, जो चला गया वो चला गया यार, बट अब इस एक बात का तो खैर पता चलेगा कि जो ये है ना, क्या कहते हैं, इंडियन माफिया का काम है और वो हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं, जो जो काम कर रहे हैं ना सब कुछ पता है भाई उसे। वो हमसे 10 कदम आगे, 1-2 कदम भी नहीं, वो हमसे 10 कदम आगे चल रहा है दोस्तों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस बार हमारा पाला बहुत बड़ी हस्ती से दोस्तों पड़ चुका है, और मुझे नहीं लगता कि हम भाई इसको हरा पाएंगे। कोई बात नहीं, चलो जल्दी चलो दोस्तों। हाँ यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा दोस्तों, चलो पहले चलो, अभी हमारे पास और वक्त नहीं है। शिट यार, मैंने ये सोचा था यार बेचारे डॉक्टर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, वो भी हमारी वजह से यार। बेचारे ने डॉक्टर ने क्या बिगाड़ा था यार किसी का। यार जल्दी बैठो यार दोस्तों तुम, अब ये बाहर बैठ रही है मोहतरमा, वह बैठ जाए लेस्टर तू भी। हाँ तू भी इसी के पीछे बैठेगा मुझे पता है। हाँ अब तू कहाँ बैठ लेगा आगे यार दोस्तों, मतलब यार बेचारे डॉक्टर ने क्या बिगाड़ा था यार। असल में बात ये थी ना, डॉक्टर हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा था, तो शायद से भाई उन्हें ये लगाओ कि ये डॉक्टर को मारना चाहिए। वे यार सिक्योरिटी गार्ड तू यहाँ पर खड़ा है, तुझे ही नहीं पता वहाँ पर डॉक्टर मर गया। बेवकूफ़ इंसान, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी सिक्योरिटी रख रखी, इनके चक्करों में ही मर जाता है इंसान, किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब हम नहीं जा सकते, वरना उस डॉक्टर के केस में भी हमको अंदर कर देंगे यार, एकदम हमारे ऊपर ही शक जाएगा, इन्होंने ही मारा होगा डॉक्टर को भी। तेरी ऐसी की तैसी हुए, हट जा, तेरी ऐसी की तैसी। भाई साहब बहुत ज्यादा बंदे हैं दोस्तों, मुझे ही लड़ना पड़ रहा है भाई, ये तो लोग तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए। ओ माय गॉड, हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे यार तुम लोग ठीक हो ना, तुम जा रहे हो छुपे रहना इधर ही। ऑलराइट दोस्तों, हम जैसे ही आ गया ना यार, एकदम इन लोगों ने यहाँ पर नाकाबंदी कर रखी थी भाई साहब। शूट शूट शूट, you got it, done it now. हट तेरी ऐसी की तैसी। हट तुम्हारी ऐसी की तैसी। इनकी जो गाड़ियां थी ना ये, अब ये फटेंगी, इनके ऊपर लगाऊंगा मैं स्टिकी बॉम्ब। They're coming. दोस्तों चलो पीछे हो जाओ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, अब यहाँ पर जो मौसम बिगड़ने वाला है, ठीक है ना। अब हम चलेंगे दोस्तों आगे, चलो। ओ भाई, अबे यार हमारे ऊपर नहीं कुछ होना था यार दोस्तों, चलो चलो चलो। ओ भाई साहब कितनी ज़्यादा यार इधर जो आग वगैरह लग चुकी है। चलो यार दोस्तों फटाफट जल्दी से गाड़ी में आओ, बैठते हैं यार। यार इन लोगों ने, मतलब इनको हमारी लोकेशन का पता कैसे चला, देख रहे हो, इन लोगों को हमारी लोकेशन का पता कैसे चला, मुझे तो यार यही समझ में नहीं आ रहा है, लोग थे कौन यार।
जो कि हमारा पीछा कर रहे थे, या फिर दोस्तों पता नहीं क्या कर रहे थे। इनको पता नहीं कैसे पता चला हम यहाँ पर जो है डॉक्टर से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं, और एकदम इन्होंने यहाँ पर बीच में अपनी गाड़ियाँ लगा रखी थी। अपनी सिनेमैटिक में देखा होगा, ढूंढो ना, यहीं कहीं आसपास ही होगा यार। तो गाइज यार अभी ना हुआ ये, जब मैंने स्टिकी बॉम्ब लगाया, आपको पता, जब मैंने फाड़ा होगा ना, तो एक बंदा जो था लेस्टर का जो दोस्त था वो हमें मिल नहीं रहा, पता नहीं भाई कहाँ गिरा उड़ के यार, किसी गाड़ी के नीचे वीचे तो दब गया वो। लेस्टर का दोस्त, ओह माय गॉड, अफसोस, ये मेरी गलती की वजह से नहीं मरा यार, बस टाइम था यार इसका, ये चला गया। कुछ नहीं कर सकते यार, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो आ जाओ, बैठो यार गाड़ी में, हमारी वजह से यार बेचारा किसी मासूम की जान चली गई। दोस्तों इंडियन माफिया ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही नहीं कर रहा है दोस्तों ये वाली चीज़ें। हमारी गाड़ियों के ऊपर देखो दोस्तों कितनी ज्यादा गोलियों के निशान है। अबे सॉरी लेस्टर, सॉरी, लुक द फक आउट। अबे यार रुक जा यार, इसको सीधी करनी पड़ेगी यार गाड़ी को, सारे के सारे कांड आज हमारे साथ ही क्यों हो रहे हैं। हो जाता है यार वो, चलो बैठो यार तुम गाड़ी के अंदर भाई। यार दिमाग की दही बन गई यार दोस्तों मेरे तो। पहले वो रक्त बीज के बारे में पता चला, उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन थी, फिर ये इसके इंडियन माफिया के बंदे सामने आ गए दोस्तों, उनको ठोको, उन्हें पता नहीं लोकेशन का हमारी कैसे पता चल गया था। ये लोग कौन है यहाँ पर, जो भी होंगे कर क्या रहे हैं यहाँ पर, इनसे पता करता हूँ ज़रा। कौन हो बे तुम लोग यहाँ पर, बिच बोलो कौन हो। hey, look, मारी ऐसी की तैसी, जब पूछ रहा था तो कुछ बोल नहीं रहे थे। यहाँ कुछ है क्या, आई डोंट नो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बट जो भी है वो नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जाते भी इन लोगों ने हमें देखा था यहाँ पर, तो सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है। हट तेरी ऐसी की तैसी सिक्योरिटी कैमरा की। चलो दोस्तों चलते हैं। एक चीज आपने नोटिस की है, जैसा लेस्टर का वो दोस्त था ना, उसके घर पे जैसा नेटवर्क लगा हुआ था, वैसे ही नेटवर्क यहां पर ये लगा हुआ है। किसी हैकर का काम तो नहीं है। अब गया ये, चलो चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। मेरे हिसाब से हमने नेटवर्क को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और यहाँ पर ये जो बंदे थे इनको भी मार दिया। ये कोई हैकर भी हो सकते थे, ये कोई इसके खुफिया एजेंट भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। एक हमने यहाँ पर प्यारे दोस्त को गवा दिया, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर साइंटिस्ट था, जो कि हम सबको, हमें यहाँ पर सारी चीज़ बताने वाला था। अब दोस्तों पता ये करना है कि रक्त बीज कहाँ पर है, और रक्त बीज जहाँ पर भी होगा दोस्तों उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी। अब हमें दोस्तों यहाँ पर गूगल वगैरह ही करना होगा कि रक्त बीज फ़िलहाल है कहाँ पर। अभी तो फ़िलहाल दिमाग में यही आइडिया आ रहा है कि हम सीधा जहाँ पर ये लेस्टर का दोस्त था ना उधर ही चलते हैं, वहीं पर इंटरनेट पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालते हैं, देखते हैं यार कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। शायद से डार्क वेब के ऊपर इसके बारे में कुछ यहाँ पर बताओ दोस्तों कि रक्त बीज कहाँ है कहाँ नहीं है, लॉस सैंटोस में कहाँ पर रखा गया है कहाँ पर नहीं, ठीक है ना, या फिर दोस्तों कोई और दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं। राइट गाइज, यहाँ पर पूरे के पूरे 3 घंटे हो चुके हैं दोस्तों रक्त बीज के बारे में बात वगैरह करते हुए। डार्क वेब पर हमने बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, बहुत कुछ देखा है, बहुत मिथ हैं, बहुत सारी YouTube चैनल है जिन्होंने बता रखा है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी इलीगल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी बैन वेबसाइट्स हैं, जो कि ये दावा करते हैं कि उनको पता है कि लॉस सैंटोस के, सब नाम लॉस सैंटोस का ही लेता है क्योंकि ये पता है सब पूरी दुनिया को कि रक्त बीज को लॉस सैंटोस में रखा गया है, बट ये नहीं पता दोस्तों लॉस सैंटोस में रक्त बीज है कहाँ पर। अभी तो इंडियन माफिया को शायद से इस लोकेशन के बारे में पता हो,
कह नहीं सकते कुछ, बट लेस्टर भी यही कह रहा है कि यहाँ की जो FBI है, FBI को पता हो सकता है, क्योंकि FBI ने बहुत सारे पोस्ट वगैरह को यहाँ पर डिलीट करवाया है, जो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहते थे, तो FBI का कहीं ना कहीं इसके बीच में हाथ है। तो ट्रेवर FBI के एक बंदे को जानता भी है, जो कि माइकल का यहाँ पर दोस्त था, जब हम मिशन वगैरह किया करते थे ना, तब का हमारा दोस्त था FBI एजेंट। तो फिलहाल हम अभी उससे मिलने जा रहे हैं, हमने उसको एक लोकेशन पर बुलाया है और वो जो हमसे मिल भी लेगा, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं यार हम उसके पास, उसी से पता करते हैं कि ऐसा है क्या, शायद से उससे हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो ये दोनों तो यहीं पर है, लेस्टर भी यहीं पर है और इसकी फ्रेंड भी यहीं पर है, और यहाँ पर ट्रेवर और मैं चल रहे हैं। चल भाई आ जाओ बैठ, इसी में चलते हैं ना दोस्तों। चलिए आराम से। Give your passenger some warning, eh? बढ़िया बढ़िया। क्या बात है दोस्तों, उतरी। मैं भाई डर गया, मैंने कहा भाई पता नहीं क्या चीज ऐसी जलती हुई आ रही है यार ऊपर से। चलिए दोस्तों, खैर यार अगर रक्त बीज किसी गलत हाथों में पड़ गया ना, तो भाई ऐसी तैसी हो सकती है हमारी, बस मुझे इतना पता है। और जहाँ तक भाई उस डॉक्टर ने यहाँ पर बताया था, शायद से भाई डॉक्टर को भी इस बारे में कुछ पता होगा, तभी तो डॉक्टर को एकदम मार दिया गया। ये लोग कौन है? अच्छा ड्राइवर, पता करते हैं पहले, क्योंकि हम किसी पर नहीं हो कर सकते। तेरे दोस्त को अगर यहाँ पर है और इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े, आज से पहले तो कभी खड़े भी नहीं देखे हमने यहाँ पर, इस रोड पर हम आते रहते हैं ऐसे ही। दोस्तों चलते हैं, ज़रा पूछते हैं क्या है क्या नहीं। गन लेकर चलता हूँ ना हाथ में। What's up, bro? Hey, what's up, homie? I'm just chilling. Aquí nomás. अच्छा ये सब बोल रहे हैं कि I'm just chilling वगैरह ये सब वो। देखो जरा अगर गन दिखाते ये भागे तो नॉर्मल सिटीजंस वगैरह हैं। नॉर्मल सिटीजंस ही थे, छोड़ आ जा, चल ड्राइवर। अगर गुंडे वगैरह होते ना एकदम यहाँ पर, उन्होंने दूसरा वार हमारे ऊपर दोस्तों करना ही करना था। गन ही क्यों दिखाई, समझ गए, गुंडे नहीं थे, नॉर्मली बंदे थे, जस्ट यहाँ पर नशे वगैरह करने आए होंगे, चिलिंग वगैरह करने के लिए, और क्या ही करने आते हैं यार दोस्तों, लोग बागों और काम ही क्या। चल भाई ड्राइवर बैठ, फिलहाल चलते हैं दोस्तों FBI एजेंट के पास सीधा यहाँ से। भाई किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, देखो भाग रहे हैं ना, नॉर्मल बंदे ही हैं यार ये बेचारे, नॉर्मल बंदों को यहाँ पर चिल वगैरह कर रहे थे और मैंने भगा दिया। खैर कोई नहीं भाई, इतना भी चिल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, समझ गए, कि वह 24 घंटे चिल वगैरह ही करते रहो। हमने FBI एजेंट को यहीं पर पीछे बुलाया, तो अपनी गाड़ी में किसी भी वक्त आता होगा, उससे पहले आने से पहले हम इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अभी तो आधा घंटा है उसके आने में। चलो ये जो जगह है शहर से थोड़ी हटके है, और यहाँ पर पुलिस वुलिस वाले भी कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ ऐसा ही काम होता है ना दोस्तों, इसीलिए लोग बाग यहाँ पर कम ही आते हैं, क्योंकि गुंडों गुंडों का इलाका है। थोड़ा माल वगैरह जो आता है बाहर से कहीं से, तो यहीं पर होकर आता है, ठीक है ना, डॉक्स ही बोल लो आप इसको। बढ़िया, तो दोस्तों FBI एजेंट हमसे जो है यहीं पर मिलना आएगा, और देखते हैं यार वो क्या बताता है रक्त बीज के बारे में, क्या पता उसे यहाँ पर थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो, क्योंकि है तो हमारा दोस्त ही ना, और मुझे लगता है कि है ड्राइवर हमारा दोस्त हमसे यहाँ पर झूठ बोलेगा, मुझे तो ऐसा लगता है जो बताएगा सच ही बताएगा। मेरा शक बिल्कुल यहाँ पर सही निकला, एजेंट 14 को यहाँ पर दोस्तों हर चीज़ के बारे में पता था, और ये इसने सबसे पहले तो यही बताया, और इसने दोस्तों ये गाड़ी भी यहाँ पर माइकल का इतना अच्छा दोस्त है, इसने माइकल के शोरूम से ली थी, और इसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता कि माइकल के साथ यहाँ पर हुआ क्या है। मैंने इंडियन माफिया के बारे में इसको हर चीज़ यहाँ पर बता दी है, और इसको पहले से ही पता है कि उसके वीड वगैरह के बिजनेस यहाँ पर जो है फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा चलता है, और बहुत पावरफुल बंदा है, हमारी पहुँच के परे है वो लॉस सैंटोस के पूरे को अपनी जेब में रख के चलता है, वो पूरे लॉस सैंटोस को अपनी जेब में रख के चलता है फ्रैंकलिन। तो प्लीज़ उससे दूर रहना और उसके किसी भी पंगे में मत पड़ना, एज अ फ्रेंड होने के नाते, दोस्त होने के नाते। बेचारे ने दोस्तों मुझे यहाँ पर जो है समझा दिया, बट मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मैंने इसको आज बताया कि हमें डार्क वेब पर कुछ ऐसी ऐसी बात पता चली थी कि रक्त बीज टाइप कुछ और इंडियन माफिया को वो चाहिए, फिर हम उसके बाद ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर गए और वहाँ पर एक डॉक्टर से बात की। डॉक्टर तो ये कह रहा था कि उसको लोकेशन का नहीं पता, कोई बिल्डिंग पहले उसने बताई थी, फिर उसने यही बोल दिया था कि लोकेशन का नहीं पता, फिर हम जैसे गए डॉक्टर को गोली लग गई। तो ये कह रहा है कि जो ओरिजिनल रक्त बीज है
उसकी 3 डुप्लीकेट कॉपीज भी हैं यहाँ पर। एक मेज बैंक अरीना के अंदर है दोस्तों, एक यहाँ पर मेज बैंक टावर के अंदर है, एक पैसिफिक बैंक स्टैंडर्ड के अंदर है दोस्तों, और जो चौथा है जो रियल है वो ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर के अंदर है। अब चार जगह पर उसको रखा गया है, ठीक है ना। अब शायद से वो छोटे 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 पार्टीशंस में रखा गया हो या फिर एक फुल क्वांटिटी में रखा गया हो, और ये तो यही कह रहा है कि 3 जगह फेक रखा हुआ है, 1 जगह ओरिजिनल है ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर। और जहाँ पर वो डॉक्टर था ना, शायद से उसने गद्दारी की होगी उन लोगों के साथ या फिर कुछ भी ऐसा, और उनको पता चल गया होगा तो वे इन्फॉर्मेशन दे रहा, तो उन्होंने सीधा स्नाइपर से गोली मरवा दी उसको, सीधी सी बात है। तो अब इसका तो यही कहना है कि ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर के अंदर जो असली रक्त बीज है, और इसका भी यही कहना है कि वो एक इस टाइप का वायरस अगर हवा के साथ जो है फैलता है, और अगर वो फैल गया कुछ किसी के हाथों में लग गया, जैसे कि इंडियन माफिया के बारे में तू बता रहा है, और वो तो ईजिली उसको चोरी करवा लेगा या ईजिली उसके मिल जाएगा, ऐसी कोई उसके लिए बात नहीं है ये तो कह रहा है। और अगर मिल जाता है तो सारा का सारा लॉस सैंटोस ज़ॉम्बी बन जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हंस के बोल रहा है यार। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अभी। सबसे पहले ना दोस्तों, हमें यहाँ पर रक्त बीज को चोरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इससे उसी के बारे में यहाँ पर जो है बातचीत करता हूँ एजेंट 14 से, शायद से एजेंट 14 यहाँ पर मेरी कुछ इस बारे में दोस्तों मदद कर पाए कि उसको चुराने में, ताकि वो गलत हाथों में ना पड़ पाए, और हम जो लोकल वाला रक्त बीज है ना उसको वहीं पर जो है रख देंगे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए हम चलते हैं। ये जो ये है एजेंट 14, ये हमें एक लोकेशन पर लेकर जा रहा है, गाड़ी मैं चलाने वाला हूँ। चल भाई बैठ, बहुत दिनों के फॉर्चूनर हमने चलाई भी थी यहाँ पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही दिन दोस्तों यहाँ पर जो हो चुके हैं। अभी एक अच्छी सी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, चलो। फिलहाल अभी एजेंट 14 हमें एक लोकेशन पर लेकर जा रहा है, कह रहा है, मैंने पहले इससे पूछा कि रक्त बीज होता कैसा है, है क्या चीज़, कुछ समझा तो तभी हम उसको चुरा पाएँ। इसने कहा उसको चुराना एक तरीके से नामुमकिन ही कह लो दोस्तों, ठीक है ना। नामुमकिन इसलिए है क्योंकि उसको चुराने के लिए ना 2 चाबियों की ज़रूरत है, जो कि ऑपोजिट साइड में यहाँ पर जो है रखी गई हैं, और उन चाबियों को यहाँ पर जब तुम उठाओगे तो उठाने के बाद वहाँ पर 10 मिनट का अलार्म सेट हो जाएगा। अगर उस 10 मिनट के अंदर चाबी अपनी लोकेशंस पर नहीं आई तो जगह हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी और वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर हम एक तरीके से पहुँच भी वहाँ पर जाते हैं ना दोस्तों, और 2 बंदे हैं, एक तो कोई यहाँ का मेयर बोल लो, मेयर ही है, ठीक है, और एक बंदा है यहाँ का मेज बैंक का मालिक, ठीक है। तो 2 बंदों के पास उसी चाबियाँ रहती है, और वो एक बंदा अपने ऑफिस में रखता है, एक बंदा अपने घर में रखता है। तो सबसे पहले मैं 2 चाबियों की ज़रूरत होगी, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो सबसे पहले मुझे देखना है कि रक्त बीज जो चीज़ है वो दिखती कैसी है। मुझे तो अभी फ़िलहाल तो यही नहीं पता दोस्तों, रक्त बीज असल में है क्या, वो दिखता कैसा है, होता क्या है, ठीक है ना। एजेंट 14 आज पहली बार हमें दिखाने वाला है कि रक्त बीज होता क्या है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं दोस्तों मेज़बान करीना के अंदर, और वहीं पर है वो। अब एजेंट 14 को तो यार यहाँ पर हर चीज़ के बारे में पता है, बट ये कह रहा है पहले ही मेंबर सिक्योरिटी कैमराज को मैं हैक कर दूंगा, ताकि जब हम अंदर जाएँ तो किसी को भी हमारा फेस वगैरह या फिर कुछ भी यहाँ पर ना दिखे, ठीक है ना। मैंने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं। बस कहना था उसका ये भी है कि वो ग्रीन कलर का है और एक लिक्विड टाइप की फॉर्म के अंदर है वो, बट आई डोंट नो वो है कैसा, दिखता कैसा है दोस्तों, क्या चीज़ है। तो क्योंकि जब हम उसको चुराएंगे ना, शायद वहाँ पर वर्चुअल रियलिटी वगैरह या फिर कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें उसको चुराना है बहुत शातिर तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। चलिए जल्दी से हम जो है चलते हैं मेज़ बैंक करीना, वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या है सीन। क्या राइट दोस्तों, फिलहाल हम जो है मेज़ बैंक करीना पहुँचने वाले हैं, और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इस टाइम भाई लॉस सैंटोस की सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हैं। तो भाई ये वाला टाइम बिल्कुल सही है। इधर क्या है, इधर लाइट्स वगैरह क्यों लगा रखी हैं भाई, यही लोग जाने। मेज़बान करीना देखो भाई कितना बड़ा है यार दोस्तों। चलो पार्किंग में हमें गाड़ी लगानी नहीं है, इसने मना कर दिया एजेंट 14 ने, कह रहा पार्किंग में गाड़ी मत लगाना, बाहर ही खड़ी कर देंगे हम गाड़ी को, ताकि गाड़ी की नंबर प्लेट वगैरह यहाँ पर रीड वगैरह ना हो पाए। तो इसने तो यहाँ बोला है, इसीलिए मैं इसकी गाड़ी जो इधर ही लगा देता हूँ। आ जाओ भाई बैठ, उतर आ जाओ, उतर के दोनों। अब चुपचाप से दोस्तों मेज़ बैंक करीना में एंटर करना पड़ेगा, खुफिया रास्ता पता है एजेंट 14 को, तो लेकर चलेगा हमें। मुझे ऐसी आवाज आई कहीं से जैसे कि अलार्म बज गया हो, पर वो शायद से मेरे वन का वहम ही हो सकता है, ऐसा कुछ है भी नहीं कि इतनी जल्दी अलार्म वगैरह बज गया होगा। वो दोनों कहाँ रह गए, आ जा एजेंट 14 यार जल्दी आ, ट्रेवर जल्दी आ भाग कर। चलो
दबे दबे पांव से चलते हैं। चलिए आराम आराम से। अब इसके पीछे पीछे को चलना है। एजेंट 14 का कहना है कि यहाँ पीछे पीछे को चलेंगे, पीछे की तरफ से एक छोटा सा रास्ता है जिससे कि हम अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ से इस तरफ कोई सिक्योरिटी कैमराज नहीं है, अंदर की तरफ है और यहाँ बाहर की तरफ लगे हुए पिलर से, तो हम इसलिए अंदर की साइड को चलेंगे दोस्तों। वो बिल्कुल हल्के लगे क्योंकि मोशन सेंसर कर सकते हैं, मोशन सेंसरिंग वाले हैं वो, तो अगर ज़रा सी भी आर्ट हुई तो वो इधर को घूम जाएंगे, इसलिए हम बहुत आराम आराम से दोस्तों यहाँ से जो है निकलेंगे। ठीक है गाइस, फिलहाल हम ना उस लोकेशन के अंदर आ चुके हैं और ये मुझे नहीं पता था कि मेज़ बैंक अरीना अंदर से इस टाइप का है। फिलहाल ट्रैवल उस तरफ है, एजेंट 14 का कहना है जहाँ पर वो रेड लाइट जल रही। सॉरी एजेंट 14, हाँ मैं भूल गया था। चलिए और भी आए क्या? ओके, सिक्योरिटी कैमरास भी तो लगवा रखे भाई बंदों ने। ओके तो इसका एजेंट 14 का ये कहना है कि जो रक्त बीज है वो ये है। ओके इन कंटेनर्स के अंदर रक्त बीज को रखा गया है और आई डोंट नो कि ये गुड़िया यहां पर क्या कर रही है या ये लाइट्स वगैरह यहां पर क्या कर रही है। एजेंट 14 एक बात बोलूं, ये ओरिजिनल रक्त बीज नहीं है और हमें पता है कि रक्त बीज क्या है। उस जो डॉक्टर है ना जो लैब के अंदर ही काम करता है, उसने कहा था इतनी सी लिक्विड की फॉर्म में है वो, इतना सा, वो भी ग्रीन कलर का, इतने बड़े बड़े ड्रम में नहीं है वो, कितने बड़े बड़े ड्रम में रख रखा है वो। ड्रम तो देखो दोस्तों कितने बड़े बड़े हैं, सिलेंडर टाइप्स। और भाई साहब ये देखो यार किस टाइप का रक्त बीज टाइप दोस्तों यहाँ पर बना रखा है। और ये जो है रेड लाइट है, सेंसर्स हैं, अगर किसी ने भी क्रॉस किया एकदम सायरन बज जाएगा, समझ गए। सही है दोस्तों, वैसे सही है, बहुत ख़तरनाक तरीके से इसको जो बनाया गया है। और इसके एक फीचर्स भी हैं, मानने की बात ऐसे तो निकलेगा नहीं, ठीक है, और अगर कोई निकालने की कोशिश करे इसके अंदर जो पाइप्स वगैरह लगे हुए हैं तो उसके अंदर ना एक जहरीली टाइप की गैस है जो कि इंसान को विद इन 1 से 5 सेकंड के अंदर जो है बेहोश कर सकती है। तो जिसने भी निकालने की कोशिश की वो बंदा ये सोचेगा कि मैं रक्त बीज निकाल रहा हूँ, पर वो निकलेगा नहीं। प्लस यहाँ पर जो दोस्तों इसके अंदर जहरीली गैस है उससे 5 सेकंड के अंदर अंदर बंदा जो है दोस्तों यहाँ पर बेहोश हो जाएगा। तो ये सरकार ने ना सिर्फ पागल बनाने के लिए यहाँ पर ये रख रखी है। खैर एजेंट 14 को पता है ओरिजिनल नहीं है और इसका बड़ा, बहुत बड़ा साइज़ है, बट एजेंट 14 मुझे ये दिखाना चाहता था कि रक्त बीज जैसी चीज़ यहाँ पर रख रखी है गवर्नमेंट ने और बहुत ज़्यादा नीचे भाई यहाँ पर आकर जो है रख रखी है। और एजेंट 14 ही यहाँ पर दोस्तों आ जा सकता भी है, बट एजेंट 14 को ये नहीं पता है ह्यूमन लैब के अंदर वो किस जगह पर यहाँ पर जो है रक्त बीज को रखा गया है, अभी भी ह्यूमन लैब के अंदर है या फिर दोस्तों कहीं और चला गया। अभी ये बोल रहा है कि मेज़ बैंक जो मेज़ बैंक टावर है उसके अंदर और ये पैसिफिक बैंक स्टैंडर्ड में भी इसी टाइप के रक्त बीज को रखा गया है। जो ओरिजिनल है वो तो भाई लिक्विड की फॉर्म में, इतनी सी शीशी में है दोस्तों, इतनी सी शीशी में। तो जानना ये है कि वहाँ पर है या कहीं और है, ठीक है ना। चलो दोस्तों फिलहाल एजेंट 14 ने हमारी बहुत मदद की, चल मेरे भाई यार चलते हैं अब यहाँ से, इससे पहले कि यहाँ पर किसी को पता चले हम जल्दी से दोस्तों इस लोकेशन से जो है बाहर निकल कर चलते हैं। चलिए दोस्तों, चलो यार दोस्तों, खैर दोस्तों सुबह का भी वक्त हो गया, लोग अब मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर निकल गए हैं। चलिए अब हम चलते हैं, गाड़ी हमारी उधर खड़ी है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि ओरिजिनल जो है लिक्विड फॉर्म के अंदर ही इतना सा है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बात तो ये है ना कि प्रॉपर बात इसे भी नहीं पता ना एजेंट 14 को, गवर्नमेंट यार बहुत चालाक है लॉस सैंटोस की। बैठो दोस्तों, सबसे पहले अभी हमें ये यहाँ पर एजेंट 14 को उसके घर छोड़ना है, उसके बाद दोस्तों हम भी निकलते हैं यार यहाँ से। बैठ जा यार ट्रैवर, बैठ मेरे भाई, बैठ जा। इस टाइम वैसे ही हमें यहाँ पर कोई दूसरा व्हीकल नहीं मिलने वाला है, एजेंट 14 की गाड़ी है या एजेंट 14 ही दोस्तों हमें उस लोकेशन तक यहाँ पर जो छोड़ दे
तो भाई इससे भी और अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर क्या ही हो सकती है, ठीक है ना। पर अभी फ़िलहाल हम चलते हैं यार। असल में ना ऐसा लग रहा है जैसे कि हारा हुआ खिलाड़ी स्टेडियम छोड़कर घर नहीं जा रहा होता, कुछ इस टाइप की हुआ है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रक्त बीज ओरिजिनल कहाँ पर रखा गया है। लॉस सैंटोस की सरकार बहुत ज़्यादा चालाक है और लॉस सैंटोस की सरकार को यार इतना नहीं पता है कि मतलब अगर इंडियन माफिया को बहुत सारी बातें हैं जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर गला जकड़ा हुआ है। इस टाइम थोड़ा मेरा मन परेशान था इसलिए मैं सबसे ऊपर आ गया लॉस सैंटोस की लोकेशन पर, जो सबसे ऊपर यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। ऊपर आने के बाद शहर में तो खैर दोस्तों ट्रैफिक है और मैं अभी वहाँ पर नहीं गया जहाँ पर दोस्तों लेस्टर वगैरह है। हम एजेंट 14 के जो है घर पर ही आ गए थे। एजेंट 14 का घर जस्ट यहाँ पर बगल में है। FBI की बिल्डिंग दोस्तों यहाँ पर है। मेज बैंक के अंदर भी रक्त बीज को रखा गया है, वो भी रियल नहीं है, वो भी फेक है। और मैंने लेस्टर को कॉल करके मैंने सारी बात बता दी। लेस्टर ने कहा मुझे इस बारे में पता था, इन्फॉर्मेशन निकल चुकी है कि, और ये ना 1994 की बात है जब लॉस सैंटोस की सरकार ने ये फैसला लिया था। बहुत सारे देश रक्त बीज को चुराने के पीछे जो है दोस्तों यहाँ पर लग गए थे, तो यहाँ की लॉस सैंटोस की सरकार डर गई, तो उन्होंने ये फैसला लिया था कि हम रक्त बीज को एक सुरक्षित जगह पर रखेंगे और वो सुरक्षित जगह होगी हमारा, मतलब यहाँ पर जो भी है ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर, और एक भूल भुलैया बनाएंगे जिसके अंदर चार चार रक्त बीज हैं, कुछ इस टाइप का आर्टिकल वगैरह के अंदर भी दोस्तों छापा गया था। बट बहुत पुराने टाइम की बात है, ठीक है ना। और एजेंट 14 को ये बात आज भी दोस्तों यहाँ पर पता थी। और लेस्टर अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा टाइम अकेले में स्पेंड करना चाहता था, तो मैंने कहा ठीक है चल कोई बात नहीं भाई, हम तेरे पास सुबह को आ जाएंगे, फिलहाल अभी तो मैं यार यहीं पर हूँ। लेस्टर वहीं पर भाई मज़े कर रहा है, ठीक है। और ट्रेवर भाई उसके साथ यहाँ पर घर पर है और मेरा थोड़ा मन परेशान था इसलिए यार मैं यहाँ पर ऊपर आ गया हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि यार दोस्तों अब क्या होगा अगर 1% हम उस रक्त बीज को ना चुरा पाए और वो यहाँ पर हाथ लग गया इंडियन माफिया के, तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या। मुझे बार बार ये डर सता रहा है और ये डर दोस्तों बार बार मुझे यहाँ पर खाए जा रहा है कि होगा क्या, हम लोगों को कैसे बचाएंगे। खैर दोस्तों अभी इसका तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, हम लोगों को कैसे बचाएंगे, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ये आपको आने वाले वीडियो में ही पता चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो बने रहिए यार आप सभी लोग एपिसोड्स में। मेरा तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे नहीं पता यार अभी यहाँ पर होगा क्या, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये रक्त बीज की डील के बारे में हमें कैसे पता चलेगा यार, वो ऐसी है क्या चीज़, ठीक है। कुछ दिमाग में नहीं आ रहा आपका, आप थोड़े सजेशन दीजिए, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स भर दो, ठीक है। और एक ना एक दिन आता ज़रूर है, हर इंसान का एक दिन आता है, तो आज इंडियन माफिया का वक्त चल रहा है तो एक बार हमारा भी वक्त चलेगा, पर वक्त पलटता ज़रूर है दोस्तों। और जब वक्त पलटता है वक्त की मार बहुत ख़राब होती है यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद है कि इंडियन माफिया अगर हमारी ये वीडियो को देख रहा होगा तो उसको पता चल गया होगा, ठीक है ना। एंड अगर पता चल जाए तो भाई अभी भी संभल जा, अभी भी वक्त है, वरना जब वक्त पलटता है ना तो भाई वक्त की मार बहुत ज़्यादा बुरी होती है। और जब वक्त की मार से जो बंदा यहाँ पर गिरता है ना, तो वो एक बार गिरने के बाद ज़िंदगी में कभी भी यहाँ पर उठता नहीं है।